कुछ दिन पहले जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से मना कर दिया सिक्योरिटी कंसर्न्स के वजह से, तो पाकिस्तानियों ने इस चीज को लेकर बीसीसीआई को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया। हालांकि बीसीसीआई ने पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, यह क्लियरली कह दिया था कि आपके मुल्क में सिक्योरिटी का बहुत ही ज्यादा मसला है और इसी वजह से हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों का इस चीज को लेकर गुस्सा जायज बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान क्या आज भी सेफ है या आज भी करंट सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान अनसेफ ही रह गया है? इस मामले को समझने के लिए हम कुछ फैक्ट्स पॉइंट्स के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। 17 people have been killed in two explosions at a police station in northwest Pakistan. Four have been killed and a dozen injured in a bomb blast in Pakistan's Pakistan. Pakistan's Pehar, where at least four people. Pakistan is mourning the death of at least 93 people. Pakistan is in a state of chaos. इसी साल फरवरी के महीने में पाकिस्तान के डोमेस्टिक लीग यानी कि पीएसएल की एग्जीबिशन मैच के दौरान स्टेडियम से कुछ ही मील दूर एक ब्लास्ट होता है जिसमें 5 लोग इंजर्ड होते हैं। और इसी ब्लास्ट के चलते पाकिस्तान के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जैसे कि शाहिद अफरीदी, बाबर आजम, इनको तुरंत स्टेडियम एरिया से क्विक इवैक्यूएट किया जाता है। और यहाँ पर ही यह सवाल उठता है कि अगर आपके खुद के प्लेयर ही अपने मुल्क में सेफ फील नहीं करते, अगर वो चैन से क्रिकेट ही नहीं खेल पाते, तो आप इंडियन प्लेयर्स को कहां से सेफ रखेंगे? और यही नहीं, ये अटैक कोई ओपन रोड या पब्लिक एरिया में नहीं हुआ था, ये अटैक हुआ था क्वेटा की पुलिस लाइन एरिया में। तो यहां पर एक और सवाल उठता है कि जब पुलिस खुद ही सेफ फील नहीं करता तो इंडियंस को कहां से सेफ्टी प्रोवाइड करेगा? हालांकि इस अटैक की जिम्मेदारी टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने लिया एज ए एक्ट ऑफ रिवेंज। इस घटना की भी एक महीने पहले पेशावर में एक मस्जिद में सुसाइड बॉम्बिंग होता है जिसके चलते 63 लोग की मौत और 100 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड होता है। मस्जिद को एक रिलीजियस प्लेस, एक पवित्र स्थल की तरह माना जाता है और अगर उसमें ही बॉम्बिंग हो जाए तो कहां से उस जगह को आप सेफ बोल सकते हैं? ये तो मैंने सिर्फ 2 ही इंसिडेंट के बारे में आपको बताया, लेकिन और भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। जैसे कि जून में साउथ वेस्ट पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग हुआ था जिसमें एक पुलिसमैन की मौत और 5 इंजर्ड हुआ था। अप्रैल में पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट, ये सब तो जैसे पाकिस्तान में कॉमन ही हो चुका है। पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान में माइनॉरिटी का परसेंटेज था 23%, लेकिन ये संख्या आज 2% से भी नीचे है। इस चीज को लेकर कभी भी पाकिस्तानी बात नहीं करते। अलग अलग ब्लास्फेमी लॉ, कन्वर्सन ऑफ रिलीजियन, फोर्सफुल कन्वर्ट, यहाँ तक मंदिरों को तोड़ना, चर्च को भी तोड़ना, हिंदू औरतों को किडनैप करना और जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करना, इस चीज को लेकर पाकिस्तान सबसे पहले रैंक में आता है। द वायर के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मस्जिद के पानी पीने के वजह से एक हिंदू फैमिली को मारा पीटा गया। इस हिंदू आदमी का नाम था आलम राम भील। पुलिस ने कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया क्योंकि अटैकर्स लोकल पार्लियामेंटेरियन के रिलेटिव्स थे तहरीक इंसाफ पार्टी का, जिसके लीडर है इमरान खान। सिर्फ हिंदू नहीं, सिख्स के ऊपर भी अत्याचार देखने को मिलता है। पाकिस्तान में मनमोहन सिंह नाम के एक आदमी को शूट कर दिया गया। पिछले महीने में सरदार सिंह और अप्रैल में दयाल सिंह नाम के एक आदमी को गोली मार के हत्या कर दी गई। लास्ट दिसंबर में पाकिस्तान में कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न अंडर द रिलीजियस फ्रीडम एक्ट बनाया गया माइनॉरिटी के ऊपर बढ़ते वायोलेशंस की वजह से। लेकिन ऑन पेपर पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम है ये कहा जाता है, लेकिन 1947 से लेकर आज तक जो अत्याचार माइनॉरिटी के ऊपर हो रहा है उसे देखकर तो ये साफ लगता है कि पाकिस्तान में एक तरीके का रेडिकल इस्लामिस्ट की तादाद बढ़ता चला जा रहा है। वर्ल्ड एडुकेशन इंडेक्स के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ग्लोबली 115th रैंक करता है, जहां पर इंडिया 116th रैंक पर है। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एडुकेशन, स्किल वर्क, ये सब बहुत ही जरूरी होता है।
लेकिन पाकिस्तान के केस में यह लिटरेसी रेट 60% तक पहुंच चुका है। और जब लोग बेसिक एडुकेशन और नॉलेज से बहुत दूर रहते हैं तब रिलीजियन, कास्ट, इन सब चीजों के ऊपर फोकस ज्यादा दिखाई देता है। पाकिस्तान के एडुकेशन के बुरा हाल आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इंडिया ने रिसेंटली चंद्रयान 3 लॉन्च किया तो पाकिस्तानी फॉर्मर साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया, चांद में जाने की कोई जरूरत नहीं है और ये सब बेकार की चीजें हैं। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। पाकिस्तान में एक और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, वो है रिलीजन के ऊपर बेस करके एडुकेशन को एस्टैब्लिश करना। उनके टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री, ये सब रियलिटी से बहुत ही दूर है और बहुत ही ज्यादा बायस्ड है। उनके टेक्स्ट बुक में डिफरेंट रिलीजन के बारे में हेट्रेट सिखाया जाता है। आप अगर कोई भी पाकिस्तानी यूट्यूबर का वीडियो उठा के देखेंगे तो वो आम पब्लिक भी हिंदू हेट्रेट के बारे में बात करते हैं। इसराइल के जो ज्यूज है ये उनके बारे में भी हेट्रेट फैलाते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो हिंदू है, काफिर है, यहूदी है, वो मुसलमान नहीं है, उनके साथ हमारा बर्ताव नहीं, अल्लाह ताला उनको गरक करे, मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि कोई भी पाकिस्तानी कभी भी इसराइल नहीं गया क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट में ये सीधा सीधा मेंशन किया गया है कि कोई भी पाकिस्तानी कभी भी इसराइल नहीं जा सकता। पाकिस्तान अपने टोटल बजट का जितना प्रतिशत डिफेंस में खर्च करता है उसका अगर हाफ भी एडुकेशन में लगाता तो आज शायद पाकिस्तान का इतना बुरा हाल नहीं होता। ये सब चीज उसी कंट्री में होता है जहां एडुकेशन क्वालिटी बिलो द एवरेज होता है और पाकिस्तान इस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। के बाद से ही पाकिस्तान खुद के एबिलिटी से भी ज्यादा फॉरेन डेप्थ से फंक्शन करता है। कोल्ड वॉर के दौरान US की तरफदारी करने की वजह से पाकिस्तान को डेप्थ और एड ह्यूज अमाउंट में US से मिलता रहा और अब US के बाद चाइना एज अ फादर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर लोन के तौर पे देता है। पाकिस्तान की आज तक का टोटल डेप्थ है करीब 140 बिलियन के करीब। पाकिस्तान की इसी ह्यूज अमाउंट डेप्थ के वजह से ये बोझ सीधा जाके गिरता है आम पाकिस्तानियों के ऊपर क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अमीर आदमी को वहां पे कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अल जजीरा का एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है, पाकिस्तान में करंट इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद भी अमीर आदमियों के ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इन सब चीजों से एक बेसिक जो थॉट क्लियर होता है वो है, जब देश की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा और इसके चलते पाकिस्तान में रॉबरी, स्नैचिंग, मर्डर ये सब तो कॉमन बात हो ही जाएगी। इन सब चीजों को अगर साइड में भी कर दिया जाए तो भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जिसके चलते पाकिस्तान को एक सेफ कंट्री बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्रिएशन से लेकर आज तक पाकिस्तान कभी भी सेफ नहीं रहा। कभी खुद के ही देश में टेररिज्म को बढ़ावा देना तो कभी इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करना, आर्मी डिक्टेटरशिप हो या फिर मार्शल लॉ हो, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो, इन सब चीजों से पाकिस्तान को एक अनसेफ कंट्री ही बोला जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज जो देना रह गया वह इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे ये कहा था कि पाकिस्तानी बहुत नाराज है कि इंडिया ने सिक्योरिटी रीजंस के वजह से पाकिस्तान में मैच खेलना सेफ नहीं फील किया। तो पाकिस्तान की ही एक न्यूज चैनल है जो है जियो सुपर, उसके मुताबिक पाकिस्तान अपना जो डोमेस्टिक लीग है यानी कि PSL उसको सिक्योरिटी रीजंस के वजह से पाकिस्तान से UAE शिफ्ट कर रहा है। अब इस दोगलेपन की वजह तो आप लोग ही बता सकते हैं। पाकिस्तान के इस एटीट्यूड के बारे में आप सबका क्या कहना है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको यह टॉपिक के बारे में और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में वो भी बताइए। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय।